ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। सद्भावना विकास समिति नमांगड़ द्वारा नमांगड़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए जरूरतमंद वृद्धों एवं दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कटिंग दाढ़ी डाई का शुभारंभ वृद्धों व दिव्यांगों द्वारा फीता काट कर किया गया। आयोजन समिति के सचिव विजय खत्री ने बताया कि सद्भावना विकास समिति द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए भारत में पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति का पुलिया और रहन सहन सही होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आधा स्वस्थ तभी हो जाता है। इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि सागर हेयर ड्रेसर पर इस पहल की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को संग्रिया रावसर पीलियुंगा टाउन व अन्य जगहों पर भी धीरे धीरे चलाया जाएगा। इस मौके पर आयोजन समिति अध्यक्ष मनीष बब्बर, दुर्गेश भार्गव, सुखराम रामकुमार रहेजा, अंकित सैन, ललित मोदी, मुरली अग्रवाल, कमल शर्मा, शशिकांत शर्मा, अमित सक्सेना, यशोदा, ताराचंद, ओम प्रकाश और रॉयल हाउस का विशेष सहयोग रहा। हनुमानगढ़ से कृषि संदेश न्यूज की रिपोर्ट। महाराम जी, हाँ सर, आपने अभी दाढ़ी करवाई है, संस्था ये काम कर रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अच्छा कर रही है सर, ये परमार्थ का काम है। अगर हिम्मत रखे तो हिम्मत ऐसी चीज है, आगे बढ़ता जाता है इंसान। परमार्थ का काम हमेशा सफल होता है, तन मन से धन से करे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमार्थ का कार्य ना हो, उसमें एकजुटता रहनी चाहिए, समभाव रहना चाहिए और सद्भावना बढ़ती रहनी चाहिए। ये सद्भावना का लक्ष्य है परमार्थ। ठीक है, बहुत अच्छा किया है सर। आप बताओ मैडम, ये संस्था काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सद्भावना विकास समिति के सचिव विजय कुमार जी ने तो ये पहल की, ये बहुत अच्छी पहल है और उसमें विकलांगों के लिए, वर्जन के लिए निःशुल्क दाढ़ी कटिंग की इन्होंने एक शुरुआत की है। हमें